ब्लड प्रेशर की समस्या इंडिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से परेशान हैं। ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होने की वजह से आपको कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, थकान और कमजोरी, सांस फूलना। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस तरह के लक्षणों को महसूस करता है तो वीडियो को पूरी जरूर देखें। इस वीडियो में हम 6 ऐसी खाने की चीज़ों की बात करेंगे जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खून हमारे शरीर में कई इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखना। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिसे खाने में शामिल करके आप बहुत ही आसानी से ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए उन चीज़ों को एक एक करके जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हरी सब्जियां आती हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन की अच्छी मात्रा होती है जो आपको खून की कमी से बचाती है। इसमें फोलेट मौजूद होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। इसमें मौजूद फाइबर्स आपके ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करके आपके ब्लड वेसल्स की सफाई करते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर संतरा को रख सकते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाला फ्लेवोनॉइड्स जैसे हेस्पिरिडिन आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। फ्लेवोनॉइड्स ब्लड क्लॉट को भी रोकता है, जिससे आपके खून की नसें साफ रहती है और इससे खून पूरे शरीर में अच्छी तरह से सर्कुलेट हो सकता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बेरीज को रख सकते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकती हैं। इसमें मौजूद एंथोसाइनिन आपके ब्लड वेसल्स की सूजन को कम करके उसे मजबूत बनाती हैं। बेरीज में अच्छी मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। बेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में कोई रुकावट नहीं आती। ब्लड प्रेशर मैनेज करने वाली चीज़ों की लिस्ट में चौथे नंबर पर चुकंदर को रख सकते हैं। इसमें पाया जाने वाला नाइट्रेट नाइट्राइट ऑक्साइड में बदलकर आपकी खून की नसों को साफ करता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होता है। चुकंदर में आयरन और फाइबर अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं और यह आपके शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। आप इसका जूस जरूर पिएं और इसे सलाद में भी इस्तेमाल करें। पांचवें नंबर पर फैटी फिशेस को रख सकते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकती हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके शरीर के दूसरे हेल्थ इश्यूज को भी ठीक करने में मददगार हो सकती हैं। फैटी फिशेस के इस्तेमाल से आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस लिस्ट में छठे और आखिरी नंबर पर ग्रीन टी को रख सकते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकती है। इसमें मौजूद कैटेसिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज आपके शरीर से सूजन को कम करती हैं और खून की नली को मजबूत करके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती हैं। अगर आप वीडियो में बताए गए इन चीज़ों का इस्तेमाल ठीक तरह से सही मात्रा में करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़े किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।